नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कुबोटा कंपनी का B2441 ट्रैक्टर है, ये नियो स्टार 4x4 ट्रैक्टर है। इसकी फुल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है और 24 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है। और अगर हम इसके इंजन की CC की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो 1123 CC के साथ में ट्रैक्टर है और 2600 इंजन रेटेड RPM के साथ में आता है। ये वाटर कूल्ड लिक्विड, जो लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है, और जो एयर फिल्टर है वो ड्राई एयर फिल्टर के साथ में आता है। अगर हम इसके PTO की HP की बात करें तो 17.4 PTO HP का ये है ट्रैक्टर, और 24 HP की ट्रैक्टरी में 17.4 PTO HP है इसकी। और अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें, कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स के साथ में ड्राई टाइप सिंगल क्लच में है ये ट्रैक्टर। और जो इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स और 9+3 गियर में है, ये 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स के लिए। और जो ब्रेक हैं इसके, वेट डिस्क टाइप के ब्रेक हैं इसके। अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करें, ये पावर स्टेयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर इसके PTO की बात करें, 17.4 HP की कैटेगरी में PTO पावर है इसकी, और मल्टी स्पीड PTO में है ये। 540 और 960 चक्कर आप इसके बना सकते हो। और जो इसकी डीजल टैंक है, 23 लीटर का डीजल टैंक है। अगर हम इसकी लिफ्ट की बात करें तो 750 किलो KG का वेट कैपेसिटी है इसकी, और 3 पॉइंट लिंकेज के साथ में, सेंसिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। 4 व्हील ड्राइव है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये ट्रैक्टर कुबोटा B2441 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। खोलिए बोल, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर 24 HP कैटेगरी में 1123 CC के साथ में ट्रैक्टर आता है। सिंगल पीस बोनट के साथ में है ट्रैक्टर, पूरा ड्राई एयर क्लीनर के साथ में। और ये बोस कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है इसके अंदर, बोस कंपनी का इनलाइन पंप। इधर ही अपना वाटर सेपरेटर और डीजल ऑयल फिल्टर दोनों एक साथ दिए हैं। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है इसने, कंपनी ने। आगे जो ट्रैक्टर बैलेंस बनाने के लिए कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए आगे बम्पर दिया है, और साथ में जो बैटरी बॉक्स है वो भी आगे रखा गया। और इधर वाटर कूलेंट बॉक्स वो भी यही है, जो इसका रेडिएटर के सामने जाली लगाई है, जो कि डस्ट पार्टिकल आपके रेडिएटर को कम से कम चोक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा ट्रैक्टर को मिले, जिससे आपका ट्रैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सिल्वर के रेडिएटर के साथ में ट्रैक्टर आता है। और इधर ये अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करें तो ये 185 D12-63 टायर है ये, जो कि रेडियल टायर के साथ में आता है ट्रैक्टर, रेडियल टायर के साथ में है। जो इसका फ्रंट एक्सल आप देख रहे हो, काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए फ्रंट एक्सल बनाया गया है, और ये पावर स्टीयरिंग के साथ में है ट्रैक्टर। इधर आप इस ट्रैक्टर की अपनी जो आप प्लेट जो कंपनी इधर पूरी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। कुबोटा कंपनी का जो साइलेंसर है वो नॉइस रिडक्शन के साथ में है, कम से कम आवाज़ कर रहे, इसलिए इन्होंने कंपनी ने आगे रखा गया इसका साइलेंसर का फेस भी, ताकि जो इंजन की गर्मी है वो किसान के पैरों पर ना पहुंच सके। और काफ़ी अच्छा स्टाइलिश ट्रैक्टर बनाया है ये, पावर स्टीयरिंग के साथ में, स्टाइलिश इंडिकेटर के साथ में। और अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें, टोटली फुल्ली एकदम बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर है, सिंगल क्लच के साथ में, और क्लच लॉक भी दिया है साथ के साथ। आप क्लच को लॉक लगा सकते हो, लगाना चाहते हो लगा सकते हो, आपके ऑप्शनल है। अगर इधर ये अपना हैंड ब्रेक ये दिए हैं पार्किंग के लिए, आप यहाँ से हैंड ब्रेक लगा सकते हो ट्रैक्टर की। अगर हम इसकी इधर पैर की रेस के साथ में, डिफरेंशियल लॉक के साथ में ट्रैक्टर आता है, आप डिफरेंशियल लॉक को यूज़ कर सकते हो। और इधर ये अपनी सेंसिंग लिफ्ट की, लिफ्ट को स्लो फास्ट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप स्लो या फास्ट कर सकते हो। और ये सेंसिंग वगैरह टोटली, इधर ये अपना गेज है गियर ऑयल चेक करने के लिए, ये 4x4 व्हील ड्राइव व्हील के लिए ये गियर लीवर यहाँ दिया कंपनी ने। काफ़ी अच्छा, बिल्कुल सारी चीज़ें वेल मेंटेन करके पूरा प्लेटफॉर्म खाली किया, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम कर सको और कम से कम थको। और काफ़ी चौड़ी सीट है, आप एडजस्ट भी कर सकते हो आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग, इसको यहाँ से नट निकाल के, लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स सीट के साथ में आता है। और जो टूल बॉक्स है वो सीट के नीचे दिया है, यहाँ ये टूल बॉक्स दिया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, फाइबर का टूल बॉक्स है साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करें, वही कुबोटा के डिसेंट लुक के साथ में स्टेयरिंग। इधर ही अपना जो अगर मीटर की बात करें तो ये
मीटर इसका शायद 3,000 RPM के हिसाब से होगा ये, और जो PTO है 1540 RPM पे आप PTO चला सकते हो इसकी। इधर अपना फ्यूल गेज और अपना ये है टेम्परेचर की स्विंग, टेम्परेचर के लिए इधर ये हैंड रेस भी दी है। अगर हम इसके गियर की बात करें, ये लो हाई मीडियम में आता है, जैसा कि 9+3 थे, लो मीडियम हाई के लिए ये लीवर है। अगर आपको PTO चलाना है तो आपको 980 चक्कर बनाने हैं तो आप ये आगे कर सकते हो उसको, अगर आपको 540 बनाना है तो आप पीछे कर सकते हो। इधर ये अपना तीन गियर के साथ में 9+3, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इधर ये पोजीशन सेट करने के लिए और ये ड्राफ्ट सेट करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट और पोजीशन दोनों चीज़ें सेट कर सकते हो। और ट्रैक्टर पर बैठने के लिए कम हैंडल भी दिया है और साथ में बोतल होल्डर के साथ में ट्रैक्टर आता है। काफ़ी एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ में ट्रैक्टर डिज़ाइन किया कंपनी ने, ये किसान की हर चीज़ को ज़रूरत को ध्यान में रख के। ऊपर ये छतरी की भी दी है, जो कि आप इसको पोर्टेबल से आप इसको जब चाहो उतार सकते हो, उसको यहाँ से पाइप से निकाल के उतार सकते हो। तो पीछे काफ़ी बड़ी हेडलाइट, बैकलाइट और इंडिकेटर नंबर प्लेट के साथ में। अगर हम इसकी लिफ्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको 750 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर ही अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट यूज करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इसके साथ में कंपनी ने सेंसिंग जो है लिफ्ट की सेंस 3 टाइप में दी है, ये आप जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, जो कि इस पर ये आप जब ये पीछे सेंस जैसे रोटावेटर वगैरह चलाएंगे तो यहाँ पे ये टच करेगा, उस टाइप की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिर उसके बाद ये पोजीशन आ जाती है कि ये इस पर टच हो जाएगा, जिससे आपकी सेंसिंग कम हो सकती है। और बिल्कुल आपको फुल सेंसिंग चाहिए तो आप इसको इस तरीके से चला सकते हो, टोटली पूरी पूरा सेंसिंग काम करने स्टार्ट कर जाएंगे इंजन की, ट्रैक्टर की। PTO जैसे मैंने बताया 980 चक्कर और 540 चक्कर के साथ में ट्रैक्टर आता है। वो पीछे भी हुक दिया, नीचे भी एक हुक दिया इन कंपनी ने, और यहाँ पे ये टॉप लिंक के लिए तीनों जैसे हार्ड मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी और सॉफ्ट मिट्टी के लिए कंपनी ने दी 3 लिंकेज, जैसा कि मैंने बताया था सेंसिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। ये बैक एक्सल अपना काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर को बहुत बढ़िया डिज़ाइन करके अच्छे तरीके से ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है, पावर स्टीयरिंग के साथ में। और अगर हम इसके बैक टायर की बात करें तो ये बैक टायर इसका 8.320 का टायर है, जो बैक टायर 8.320 का टायर है, काफ़ी बड़ा टायर है ताकि आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रैक्टर का। किसान की हर चीज़ जरूरत को ध्यान में रख के ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी है, कुबोटा B-2441 ट्रैक्टर है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।